नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए एचबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की अहम खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि पिछले कई दिनों से लोग सोशल मीडिया के जरिए मेरे स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें फैला रहे थे। अमित शाह ने ट्वीट कर सभी अफवाहों का खंडन किया है। अमित शाह ने कहा है कि लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी दुआ मांगी। देश इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और देश के गृह मंत्री के नाते देर रात तक अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण मैंने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। जब ये मेरे संज्ञान में आया तो मैंने सोचा कि ये सभी लोग अपनी काल्पनिक सोच का आनंद लेते रहें, इसीलिए मैंने कोई स्पष्टता नहीं की। परंतु मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं और मेरे शुभ चिंतकों ने विगत दो दिनों से काफी चिंता व्यक्त की और उनकी चिंता को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसीलिए मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और मुझे कोई बीमारी नहीं है। अमित शाह ने यह साफ कर दिया है ट्वीट कर कि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और इस तरह की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दिया जाए, और उन्होंने सभी शुभ चिंतकों से धन्यवाद भी कहा।